जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सबको आपके विवाह में आ रही परेशानियों को, बाधाओं को, विलंब को दूर करने हेतु बहुत ही सटीक उपाय बताने जा रही हूँ। उपाय आपको 22 जनवरी से करना है। 22 जनवरी से गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप समझ तो गए होंगे कि ये माता के 9 दिन कितने ही प्रभावशाली, कितने ही पवित्र और कितने अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो इन 9 दिन में क्यों ना हम माता की आराधना करके, उनकी विशेष पूजा आराधना करके अपने विवाह में आ रही परेशानियों को दूर करें। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, उपाय को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि यह उपाय बहुत ही ज़्यादा लोगों पे आजमाया हुआ है और 80% लोगों को इसका फायदा हुआ भी है। जिसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उपाय किया है, विश्वास के साथ किया है, उसको इसका फल मिला है। इसलिए आप भी पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। भले ही अभी तक आपने कई उपाय किए हैं, उसका फल नहीं मिला, लेकिन इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, बहुत ही सरल, इससे सरल उपाय कुछ हो नहीं सकता, और बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि ये आंखों देखा है, बहुत सारे लोगों को फायदा किया है। बहुत सारे लोगों को एक बार ही इस उपाय को करने से उनका रिश्ता तय हुआ है और मनचाहा रिश्ता मिला है। यह उपाय आप मनचाहा रिश्ता प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, उपाय को ध्यान से सुनिएगा और करिएगा जरूर। दोस्तों, यह उपाय लड़का लड़की दोनों के लिए है, और वे अपने लिए स्वयं ही ये उपाय करें। अगर आपकी शादी में विलंब हो रहा है तो ये उपाय आपको ही करना है, माता पिता नहीं करेंगे। ये उपाय बच्चों को स्वयं अपने लिए करना है, और इसे आपको गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से शुरू करना है, जो कि 22 जनवरी से शुरू हो रही है, 22 से 30 जनवरी तक रहेगी। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल अर्पित करें। मतलब इस समय उठें आप कि सूर्यदेव जब निकलते ही रहते हैं, सूर्योदय का समय रहता है, उस समय आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें और फिर ये पूजा पाठ करें अपनी। लड़कियों को पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीला चंदन अपने माथे पर लगाना है, पीले आसन पर बैठना है। दोस्तों, सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने पितृदेवता, अपने इष्ट देव से अपने इस उपाय में सफलता हेतु प्रार्थना अवश्य करें। उनसे आशीर्वाद मांगे ही उपाय शुरू करें। कभी भी कोई भी उपाय करें, कोई भी पूजा पाठ करें, कोई भी कार्य करें, अपने पितृदेवता और अपने इष्ट से आराधना करके, उनसे प्रार्थना करके, विनती करके ही शुरू करना चाहिए। तो आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उसके बाद अपने मंदिर में अपने देवी देवता के सामने खड़े हो जाएं पीले आसन पर। अगर आपके पास पीला आसन नहीं है तो अपने आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, बिछा लीजिए। पीले वस्त्र धारण करना है लड़कियों को। अपने इष्ट से प्रार्थना करें, अपने पितरों से प्रार्थना करें कि आपको इस उपाय में सफलता प्रदान हो। इसके पश्चात लड़कियां पीले आसन पर बैठ जाएं, पीले रंग का चंदन अपने मस्तक पर लगाएं और अपने समक्ष एक घी का दिया प्रज्वलित करें। उसके पश्चात अपने इष्ट से अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें और इस मंत्र का, जो कि गुरु यानी बृहस्पति गायत्री मंत्र है, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। दोस्तों, इस मंत्र के कम से कम 108 बार जाप करें, अर्थात एक माला। पर अगर आप सक्षम हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो प्लीज़ मैं आपसे ये हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस मंत्र की कम से कम 5 माला प्रतिदिन जाप करें। आपको सिर्फ 9 दिन ही यह उपाय करना है, सेम इसी तरह रोज करना है प्रतिदिन। और मंत्र जाप के बाद अपने इष्ट से आपके पूजा रचना में जो भी त्रुटियां हुई हों, उसके लिए क्षमा मांगे। पूजा खत्म करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए और अपनी उपाय में सफलता का आशीर्वाद मांगे। प्रभु से विनती करें, माता से विनती करें कि आपको आपके उपाय में सफलता प्रदान करें और शीघ्र ही आपका विवाह संपन्न हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें।
बस छोटा सा उपाय है, 9 दिन में इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार उपाय जरूर कीजिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में ही कीजिएगा। घर में करना है आपको, मंदिर नहीं जाना, कहीं बाहर नहीं जाना, तो यह आप सरलतापूर्वक कर सकते हैं। दोस्तों करिएगा जरूर, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, एक बार जरूर कीजिएगा। और लड़कों के लिए, लड़कों को भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं। कम से कम पहले दिन तो लड़के लड़कियां दोनों ही अपने, जो मैंने बताया, लड़कियों को पीला और लड़कों को सफ़ेद, ये वस्त्र धारण करें। रोज नहीं कर सकते तो पहले दिन तो करें, अगर रोज कर सकते हैं तो रोज कर लें। ये ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ नए नए वस्त्र धारण करें, वही वस्त्र आप रोज पहन पूजा करने के बाद उतार के धुल के फिर से रख दें, फिर दूसरे दिन पहन लीजिएगा। इस तरह से कर सकते हैं, रोज नए वस्त्र आपको खरीद के नहीं लाना है, बस धुले और साफ होने चाहिए। लड़के सफ़ेद वस्त्र धारण करें, सफ़ेद चंदन लगाएं, सफ़ेद आसन पर बैठें। सफ़ेद आसन नहीं है तो सफ़ेद वस्त्र बिछा लें अपने आसन के ऊपर। उसके बाद अपने इष्ट से अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें और माफ़ कीजिएगा, शुक्र गायत्री मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करें। अगर संभव है तो 5 माला जाप अवश्य करें। मैं तो कहूँगी अगर थोड़ा सा कष्ट भी हो रहा है तो भी 5 माला जाप ही करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम भृगुजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। ओम भृगुजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। दोस्तों इस प्रकार इस मंत्र की 5 माला जाप अवश्य करें, नहीं कर सकते तो 108 बार अवश्य करें, अर्थात 1 माला। 5 माला करेंगे तो अत्यधिक प्रभावी होगा। अब आपके ऊपर है, आपको 5 माला करनी है या 1 माला। दोस्तों छोटा सा उपाय है, 9 दिन करना है, 22 जनवरी से शुरू करके 30 जनवरी तक इस उपाय को अवश्य करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें और देखिएगा 9 दिन पूरे होते होते आपका रिश्ता कहीं ना कहीं अवश्य तय हो जाएगा। आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी, सारे कष्ट दूर होंगे। तो इस उपाय को एक बार ज़रूर कीजिएगा, पूरे विश्वास श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिएगा। उपाय करिए और अपनी टेंशन अपनी परेशानी माता रानी को सौंप दीजिए। माता रानी से बोलिए, आपकी शरण में आए हैं माता, हमारी आराधना हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जो भी ग्रह दोष है हमारी कुंडली में, जिसकी वजह से हमारे विवाह में विलम्ब हो रहा है, रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उन सबको दूर कीजिए और हमारे लिए एक सुयोग्य वर और अच्छा घर प्रदान कीजिए और शीघ्र ही हमें एक सुगत वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आशीर्वाद दीजिए कि हम शीघ्र ही विवाह बंधन में बंधे। दोस्तों इस तरह से माता रानी से प्रार्थना कीजिए और साथ ही कहिए कि आपसे ये आराधना करने में, ये उपाय करने में जो भी त्रुटियां हुई हों उसके लिए क्षमा करें और आपकी इस त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आराधना, भक्तिहीन ध्यानहीन क्रियाहीन अशुद्ध आराधना को पूर्ण कर शुद्ध कर माता रानी स्वीकार कीजिए और हम पर कृपा कीजिए। माता हम पर कृपा कीजिए, हमें गलतियों के लिए अपराधों के लिए क्षमा कीजिए। माता हमारे ग्रह दोष हमारी कष्ट हमारी बाधाएँ दूर कीजिए। दोस्तों इस प्रकार माता रानी से विनती कीजिए, अपने आप को माता रानी के चरणों में सौंप दीजिए, अपनी परेशानी माता को सौंप दीजिए, बाकी माता सब कुछ ठीक कर देंगी। उम्मीद करती हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा। दोस्तों उपाय बहुत लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिला है इस उपाय का, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ उपाय ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत समझा चुकी आपको, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हर एक ज़रूरतमंद के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो जो आपके पहचान में है, जिसके विवाह में विलंब हो रहा है, प्लीज़ उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत प्रभावी उपाय है ये। आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला भी होगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।